प्रणाम नमस्ते महाराज। सलाम पीर साहब। अरे गुरुजी, आप गौ माता के मूत्र का सेवन करने से रोकने के बजाय जनता को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। क्षमा कीजिए, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल ये सत्य है। सुबह शाम गौ माता के मूत्र का सेवन करना चाहिए। अरे इसके गोबर से साबुन भी बनता है। आपने कभी अपना मुंह गौ माता के गोबर से बने साबुन से धोया नहीं? अरे एक बार अपना मुंह गौ माता के गोबर से बने साबुन से धोकर तो देखें। ये जो केमिकल वाला मेकअप मुंह पर लगाते हैं ना, लिपस्टिक लगाते हैं, भूल जाएंगे आप। इस साबुन से स्नान किया करें, छोड़ दें ये मेकअप शेकअप। ऐसे फिटे मुंह को तो गोबर से बने पवित्र साबुन से धोया करें। हम हिंदू धर्म के हैं, हमारा यही मानना है। तो आपके धर्म की कौन सी किताब में लिखा है कि गाय माता और उसका मूत्र पवित्र है और उसके गोबर से साबुन बनाकर मुंह धोएं? अरे गोबर से बने साबुन और मूत्र का सेवन करने से तो बीमारियां होती हैं। अरे अनाथ शनाथ न कहिए गुरुजी, गाय हमारी माता है। चले अगर कोई कह दे कि सांड हमारा बाप है, बकरी हमारी मौसी है, उसका मूत्र भी पवित्र है और उसका गोश्त खाना पाप है, तो आप क्या कहेंगे? अरे ऐसे कैसे कोई भी कह देगा, इस धरती पर तो गाय माता ही पवित्र है प्रभु। तो हर अस्पताल और मेडिकल स्टोर में गौ माता का मूत्र और गोबर रखवा दें। बिल्कुल, आप एक गौ माता घर में रख लें और सुबह शाम गौ माता के मूत्र का सेवन करते रहें, अस्पताल खुद ही बंद हो जाएंगी। आजकल तो देश में हर मेडिकल स्टोर पर गौ माता का मूत्र मिल रहा है। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां गौ माता के मूत्र पर रिसर्च कर रही हैं। गौ माता के मूत्र का आधा गिलास हल्दी के 2 चम्मच मिलाकर पी लें। उत्तर के तौर पर इस धरती पर एक बीमारी है, उसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई भी इलाज नहीं। इस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा नहीं सकता है, तो गौ माता का मूत्र बचा लेता है। ये तो क्षमता फकत गौ माता के मूत्र में ही है। अब गौ माता के मूत्र में हल्दी मिलाकर पीने की बात करते हो गुरुजी? अरे इससे बड़े बड़े काम तो मैं अपनी पहुंची हुई जूती सुघाकर कर लेता हूँ। अरे पीर जी, क्यों जनता को गुमराह करते हो? आपके धर्म के कौन से किताब में लिखा है कि इन मंत्रों से और जूती सुघाने से कैंसर खत्म हो जाएगा? मुझे तो पता चला है तुम लिखे पढ़े भी नहीं हो। अरे गुरुजी मैं क्या, हमारे मुल्क की 60% आबादी लिखी पढ़ी नहीं है, इसीलिए तो मैं दौलतमंद और शोहरत की बुलंदियों पर हूँ। तुम्हारे पास तो गाय माता का मूत्र और गोबर से बना साबुन है ना। मैं तो इंसान के पेट से लोहा, कीले, हीरे, मोती, पेट्रोल सब कुछ निकाल लेता हूँ। अरे वाह, और क्या, मेरा धंधा तो आजकल उरूज पर है। मैंने तो तोता साई सरकार, दरबार घोड़े शाह, चुमिया वाली सरकार, बाबा खंबा पीर, बाबा शादी शहीद ऊंटनी सरकार, बाबा लोटे शाह, दरबार आलिया घसीटे शाह, गराड़े वाली सरकार, बाबा उठ सरकार, बाबा इट सरकार, लकड़ शाह, सलवार शरीफ, पेप्सी वाले सरकार, कुत्ता साई, कुकड़ी साई, सबके रिकॉर्ड तोड़ मोड़ डाले हैं। अरे इस हिसाब से तो हम दोनों एक जैसे हुए ना, लेकिन एक फर्क है हम दोनों में। वो क्या? धर्म का। बस तुम मुसलमान के घर पैदा हो गए और मैं हिंदू के घर में। तुम पाकिस्तान में जनता को जूती सुंघा रहे हो और मैं अखा हिंदुस्तान में जनता को गाय माता का हल्दी मिला मूत्र पिला रहा हूँ। अरे हम भी तो सांप, बंदरिया, गाय, चूहे, दरख्त और पत्थरों की अवश्य पूजा करते हैं ना। महाराज ये तो सरासर शिर्क है, शिर्क। और प्रभु जो आप कर रहे हो वो क्या है? गुरुजी वो तो अकीदा है ना, अकीदा। अवश्य हम करें तो वो शिर्क है और अगर तुम करो तो वो अकीदा। जैसे तुम्हारे काम हैं वैसे ही मेरे काम है प्रभु। तुम पाकिस्तान में जनता को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हो और मैं अखा हिंदुस्तान में। लगे रहो मुन्ना भाई।